घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। गरे सम गरे पम ग ध प म नि ध प सा नि ध ध नि सा प ध नि म प ध ग म प रे ग म स रे ग म ग रे स प म ग रे ध प म ग नि ध प म सा नि ध प प ध नि स म प ध नि ग म प ध रे ग म प स रे ग प म ग रे स ध प म ग रे नि ध प म ग सा नि ध प म म प ध नि सा ग म प ध नि रे ग म प ध सा ग म स रे ग म प ध प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म ग ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा नि ध प म ग रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ये पेज आप लोगों का सभी का सुना हुआ है। ये अलंकार जो मैंने अभी गाए, ये सभी अलंकार आप लोगों ने गा रखे हैं, लेकिन उल्टे। जो प्रारंभिक हमारे 7 अलंकार हैं, जो स्वरांगिनी हमारी जो किताब है उसमें भी दे रखे हैं, और जो हर जगह, हर इंस्टीट्यूट, हर संगीत की कक्षा में ये अलंकार सिखाए जाते हैं, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग रे ग म ग म प म प ध सा रे ग म प सा रे ग म प ध। हर कक्षा में ये अलंकार सिखाए जाते हैं। तो अभी जो मैंने गाए वो उल्टे गाए इन्हीं अलंकारों को। क्यों गाए? क्योंकि आज जो हम अलंकार जानने वाले हैं वो कुछ बलपेच के अलंकार हैं, वो गमक के अलंकार हैं, और वो गले में दम पैदा करने वाले अलंकार हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो बलपेच के अलंकार है, बल मतलब क्या होता है? कुछ अलंकार मैं पहले भी बता चुका हूँ, बल एक झपट होती है, एक सुर से दूसरे सुर पर एक जंप होता है, और वहाँ फोर्सफुली उस स्वर को लेकर वापस आया जाता है, लौटा जाता है, और फिर अगले नोट पे जंप करके वापस आए। ये बल की गायकी होती है, है ना? तो करना कुछ नहीं है, इन सभी अलंकारों को जो आप सीख चुके हैं, सारे ग रे ग म ग म प म प ध सारे ग म रे ग म प ग म प ध सारे ग म प रे ग म प ध, ये 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, इनको उल्टा गाना है, है ना? कैसे गाना है? सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, ये गाते थे, इन सबको उल्टा कर दो। सारे ग ग रे सा, फिर रे ग म म ग रे, उसका उल्टा, सारे ग रे ग म, इसकी जगह ग रे सा म ग रे, तो जब ग रे सा म, सा से सीधा म पे कूदोगे तो एक जंप आएगा। ग रे सा म ग रे पा म ग ध प म नि ध प सा नि ध, है ना? फिर उल्टा जब आते थे तो सा नि ध प ध प म प म ग सा नि ध का उल्टा ध नि सा, फिर नि ध प का उल्टा प ध नि, है ना? तो उल्टा कैसे जाएंगे? ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नि ध प सा नि ध, ध पे आ गए, अब ध से उल्टा जाओ, ध नि सा प ध नि म प ध ग म प रे ग म सा रे ग, ग पर आ गए, अब अगला क्या बनता है? सारे ग म, और सारे ग म का उल्टा म ग रे सा। तो ऑटोमेटिकली ये जब उल्टा फर्स्ट अलंकार खत्म हुआ तो गंधार पे हुआ ग, और अगला जो शुरू हो रहा है वो म से हो रहा है, तो ये जुड़ गया म ग रे सा, है ना? तो ये एक पैटर्न जाएगा, ये सब डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं अलंकार, वहाँ से भी आप फॉलो इसको कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पर ये आप पैटर्न एक बार समझ लो तो आपको देखने की जरूरत नहीं, आप खुद ही गा लोगे, है ना? कैसा जा रहा है? ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नि ध प सा नि ध ध नि सा प ध नि म प ध ग म प रे ग म सा रे ग, फिर
मा गा रे सा पा मा गा रे धा पा मा गा नी धा पा मा सा नी धा पा। यहीं से उल्टा, प ध नी सा मा प ध नी ग मा प ध रे ग मा प सा रे ग मा। अब मा आ गया तो प से पा मा गा रे सा, पा मा गा रे सा धा पा मा गा रे नी धा पा मा गा सा नी धा पा मा। उल्टा, मा प ध नी सा ग मा प ध नी रे ग मा प ध सा रे ग मा प। फिर छठा, ध प मा ग रे सा नी ध प मा ग रे सा नी ध प मा ग ग मा प ध नी सा रे ग मा प ध नी सा रे ग मा प ध नी धा प म ग रे सा सा नी धा प म ग रे रे ग म प ध नी सा सा रे ग म प ध नी। और आखिरी, सा नी धा प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा। तो ये सातों अलंकार जैसे आप सीधे गाते हो, इनको ही उल्टा गाना है, तो एक नया अलंकार बन जाएगा, बल के लिए आपके रियाज के लिए अच्छा होगा, गले में जो स्वरों की पकड़ है वो कूद कूद के जो है मजबूती बन जाएगी। अब इसमें एक खास बात, आप क्या क्या कर सकते हो, ये तो बेसिक अलंकार है, अब इसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हो, इसको और कठिन इंटरेस्टिंग और कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐड करने के लिए, जाहिर सी बात है इसके आप थाट बदल सकते हो, है ना, ये एक थाट में है, अब बाकी थाटों में कर सकते हो। भैरवी में सा रे ग म प ध प म ग म ग रे सा नी ध नी रे सा ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नी ध प सा नी ध ध नी सा प ध नी म प ध ग म प रे ग म सा रे ग। खास बात ये है, रुकना कहीं भी नहीं, ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नी ध प सा नी ध ध नी सा प ध नी म प ध ग म प रे ग म सा रे ग म ग रे सा प म ग रे, है ना, म ग रे सा प म ग रे ध प म ग नी ध प म सा नी ध प प ध नी सा म प ध नी ग म प ध रे ग म प सा रे ग म प म ग रे सा ध प म ग रे नी ध प म ग सा नी ध प म म प ध नी सा ग म प ध नी रे ग म प ध सा रे ग म प म ग रे सा ध प म ग रे। ऐसे करके अलग अलग थाटों में इसको कर सकते हो। एक और चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ, लयकारी का इस्तेमाल करो, इसमें कितनी लय हैं, अलग अलग लयों में इसे बांट दो, तो ग रे सा म ग रे, इससे शुरुआत मन न करके आप रे सा यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, रे सा ग रे म ग पा म धा पा नी धा सा नी रे सा, है ना, दो दो का जा रहा है, जैसे सा रे रे ग ग म म प हम करते हैं ना, फिर रे सा ग रे म ग प म धा प नी ध सा नी नी सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा रे ग रे सा म ग रे प म ग, दो का हो गया, तीन का हो गया, चाहे ना पहले से शुरू करो, सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा नी नी सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा रे ग रे सा म ग रे, है ना। अब लयकारी डालेंगे तो कैसे करेंगे, पहला जाएगा सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा, दुगुन रे सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा नी नी सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा, तिगुन ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नी ध प सा नी ध ध नी सा प ध नी म प ध ग म प रे ग म सा रे ग म ग रे सा प म ग रे ध प म ग नी ध प म सा नी ध प प ध नी सा प ध नी ग म प ध रे ग म प सा रे ग प म ग रे सा ध प म ग रे नी ध प म ग सा नी ध प म म प ध नी सा ग म प ध नी ग म प ध सा रे ग म प ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा ग म प ध नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा रे ग सा नी ध प म ग रे रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। लेकिन ये बाद में करना, जब बराबर की लय में सभी अलंकारों को अच्छे से स्वर में पक्कापन लाके आप गा लो उसके बाद। तो मेरे ख्याल से ये जो अलंकार हैं ये सारे डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं, इनको आप वहाँ से देखो, गाओ, रियाज करो, अलग अलग थाटों में गाओ, और
एक के बाद एक इनको रियाज करना जो है वो ऐसा नहीं कि एक बार गा लिया तो हो जाएगा, इनको रेगुलर गाना पड़ेगा। और इनको जब तानपुरे पर गाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे कैसे स्वर आपके कूद रहे हैं, थोड़ा ऊंचा हो रहा है, नीचा हो रहा है, है ना। जैसे सा के बाद डायरेक्ट नी लगाओगे, सा के बाद डायरेक्ट ध लगाओगे तो थोड़ी मुश्किलें आएंगी और उसी से आपका स्वर पक्का होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और ऐसे ही देखते रहे संगीत प्रभाव वर्ल्ड के वीडियोज़। और भी कई सारे लेक्चर्स हैं जिनमें ऐसी कुछ बातें मैंने सिखाई हैं, कुछ मेरे तजर्बे हैं, कुछ मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ अलंकार बनाए हैं, कुछ बन गए हैं, बनाए तो क्या हैं, अपने आप बन पड़े हैं रियाज करते करते। कुछ गुरुओं से सीखी बातें हैं जो आप तक मैं लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करें चैनल को एंड ज़रूर देखें हमारे और से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़। धन्यवाद।